हेलो दोस्तों, हम डीएलएड के स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन ओपन बुक से हो। लाइक आरजीपीबी ने अभी कराया है, सोमवार को कराया है। 30,619 स्टूडेंट्स ने घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दिया, तो आखिर इनको सेफ रहने का हक है तो हमें क्यों नहीं? अब यहाँ पे आप ये देखिए, न्यूज है, ये आज की न्यूज है कि आरजीपीवी के फाइनल सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम सोमवार को हुए, और यहाँ पे जो 4,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया उनको अब इन्होंने बाद में एक मौका और देने के लिए बोला है कि मतलब मौके पे मौका दिया जाएगा इनको, और ओपन सिस्टम पे ही, ओपन बुक टाइप का ही। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, अगर डीएलएड वालों की बात की जाए तो उनके लिए अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि अगले ही हफ्ते से उनका एग्जाम होना है। अब अगर दोस्तों अदर साइड पे देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 अगस्त, 21, 22, 23 और 24 अगस्त आप क्रमशः देखेंगे कि डेट वाइज कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, एंड मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपने आपके एग्जाम सेंटर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपियर होंगे वो हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो यहाँ सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। यहाँ सामान्य जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, फिर भी अगर फिजिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो हम सभी को बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी बीच में बोला गया था कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के केसेस अस्थिर होने वाले हैं, मामला सामान्य होने वाला है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स बोल रही हैं, डेटा बोल रहे हैं कि अब ये जे कर्वे पे जा रहा है, अब मामला बढ़ता ही जा रहा है और मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। और यहाँ पे जैसे हमने अभी बोला कि ये चार सेंटर्स ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहाँ पे डीएलएड के स्टूडेंट्स कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाले हैं, एंड वहाँ कोविड-19 के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आरजीपीबी अगर ऑनलाइन ओपन बुक करा सकती है तो हमें क्यों नहीं, हमारा भी हक बनता है। और इसके अलावा अगर आप डेटा पे नज़र डालें तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव ना आए हों, ये टेस्ट होने के बाद है। लेकिन आप सोचिए, अगर इतने बड़े संख्या में अगर स्टूडेंट्स एक से दूसरे जिले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट आते हैं, तो ऐसे में कितने सारे लोग और प्रभावित होंगे, कितने सारे लोगों को कोविड-19 होगा। और हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कैसे बताया है कि किस तरह से आपको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप ना कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ है, एंड ना कोई जनरल सी सुविधाएं जो कि एक इंसान को जरूरी होती है कहीं ट्रेवल में, वैसी कोई सुविधा नहीं है। एंड 11 दिन ये कंटिन्यू एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं जनरल प्रमोशन या फिर ओपन बुक एग्जाम दो ऑप्शन है, आप कराइए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे एक अगली न्यूज है, व्यापम की न्यूज है पीईबी की, कि यहाँ पे जो एग्जाम्स होने वाले हैं पीपीटी और अन्य एग्जाम्स के, तो उनकी डेट्स एग्जाम की इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, आगे इसकी सूचना देंगे। तो अगर नेशनल वाइड अदर इंस्टीट्यूट्स भी अगर अपने कैंडिडेट्स की फिक्र कर रहे हैं, उनके सेहत की फिक्र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की परवाह कर रहे हैं, तो आखिर एमपीबीएसई क्यों नहीं कर रहा है? और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स एमपीडीएलएड एग्ज़ाम के लिए अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, बल्कि अदर जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक जेईई नीट परीक्षाओं के कैंडिडेट्स हैं वो अपने हक की मांग के लिए फाइट कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, स्पीक आउट कर रहे हैं। तो आप भी बोलिए, स्पीक आउट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड हर कहीं हर किसी से आप बात करिए, आप अपनी बात बताइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाइए ताकि आपका ओपन एग्ज़ाम हो, एंड फिजिकली आप एग्ज़ाम सेंटर जाने से बच पाएँ, कोविड-19 से बचे रहें। थैंक्स फॉर